हमारी योजना थी उसको कमज़ोर करना ही इनकी गलती थी। भामाशाह योजना लानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमने जब स्कीम लागू की थी तो हमने इसको स्टडी किया था आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में ऐसी स्कीम चल रही थी भामाशाह की तरह, और उसमें करप्शन बहुत बहुत बड़े लेवल का था। पता पड़ता नहीं कौन सा इलाज कौन करवा रहा है, कहाँ करवा रहा है, फिर उसके बिल पेश करो, तो उसमें डिफ़िकल्टी आ रही थी करप्शन की। इन्होंने अपनी जिद को पूरा करने के लिए हमारी योजना, क्योंकि हमारे वक्त में लागू की, जैसे मैंने कहा इन्होंने हर हमारी योजना को नाम बदलना या काम बदलना, कमज़ोर करना, यही काम किया 5 साल तक। इसलिए इस योजना को लेकर आए, भामाशाह कार्ड पे जो है करोड़ों रुपये खर्च कर दिए, वो जांच का विषय है। वो जांच का विषय वो भी है अपना आपके अंदर, क्यों बनाया कार्ड, आधार कार्ड था, क्यों बनाया गया। तो ये शुरू से ही करप्शन की भेंट चढ़ चुकी है, मैं तो पहले से कह ही रहा था। अब आप नई बात बता रहे हो कि जो 106 करोड़ रुपये बकाया इसके है, उन्होंने पॉलिसी ख़त्म कर दिए। पॉलिसी मान लो वापस पेमेंट कर देंगे, वापस शुरू भी हो जाएगी, पर अल्टीमेटली इसमें बहुत भयंकर करप्शन होता है और करप्शन को रोक नहीं पाता है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है इनके फैसले, वसुंधरा जी के हर फैसले बहुत अनफॉर्चुनेट रहे हैं। आश्चर्य होता है कि पता नहीं किस रूप में ये गौरव यात्रा के माध्यम से लोगों को विकार बताने के लिए कह रहे हम जा रहे हैं, जबकि तमाम योजनाओं को, बड़ी बड़ी योजनाएँ, रिफाइनरी, मेट्रो, बांध, मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि ये क्यों बंद किया गया, हमारी समझ के परे हैं, कोच फैक्ट्री का हो, ब्रॉडगेज का हो। तो ये समझ के परे कि इन्होंने टोंक में आ रही थी ट्रेन, टोंक और करौली जुड़ रहे थे रेलवे से, इनको पूछो, दो जिला मुख्यालय जुड़ जाते। मैंने खुद ने शिलान्यास किया है सरमथुरा से गंगापुर सिटी वाया करौली, इन्होंने रोक दिया क्योंकि वहाँ नैरो गेट बनी हुई है धौलपुर से सरमथुरा तक की, उसको लेकर के कि तुम्हारे पास हेरिटेज है। तो कहने का मतलब कि वसुंधरा जी का पूरा कार्यकाल जो है ये इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा, एक निकम्मी और नकारा और कुशासन के रूप में याद किया जाएगा।